मुंबई में प्रजा फाउंडेशन ने मंगलवार 11 जुलाई को विधायक रिपोर्ट कार्ड 2023 जारी करने के लिए एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया। रिपोर्ट कार्ड में विधानसभा सदस्यों के प्रदर्शन का आकलन उनके संवैधानिक और विधायी कर्तव्यों के आधार पर किया गया। इसमें 2021 के शीतकालीन सत्र से लेकर 2022 के शीतकालीन सत्र की अवधि को शामिल किया गया है। अमीन पटेल, सुनील प्रभु और मनीषा चौधरी मुंबई में शीर्ष तीन रैंक हासिल करने वाले विधायक हैं। इन विधायकों ने विचार विमर्श मंचों में अपने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाते हुए उच्चतम स्कोर हासिल किया, अर्थात विधानसभा सत्रों में उच्चतम संख्या में नागरिक मुद्दों को उठाया और उच्चतम उपस्थिति दर्ज की। पिछले तीन वर्षों में COVID-19 महामारी ने सार्वजनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा की है। इस महत्वपूर्ण अवधि में नागरिक चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और समावेशी निर्णय लेने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की लगातार बैठकों की आवश्यकता थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में अधिकांश नगर निगमों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, फिर भी चुनाव लंबित है। इस संदर्भ में राज्य विधानसभा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए प्राथमिक मंच के रूप में उपलब्ध है। हालांकि हाल के वर्षों में आयोजित विधानसभा सत्रों की अवधि में काफी गिरावट आई है। प्रजा फाउंडेशन के CEO मिलिंद महस्के ने कहा, पिछले कार्यकाल से विधानसभा सत्र के दिनों की तुलना करें तो 12वीं विधानसभा 2011 के शीतकालीन सत्र से 2012 के शीतकालीन सत्र तक की बैठक 98 दिनों तक चली। 13वीं विधानसभा 2016 के शीतकालीन सत्र से 2017 के शीतकालीन सत्र तक की बैठक 97 दिनों तक चली। तो शिवसेना UBT तो बाला साहेब ठाकरे शिवसेना वाले जो है डिंडोशी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और तीसरा रैंक मिला है BJP की मनीषा चौधरी को जो कि दहिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। किन गुणों के आधार पर उनका चुनाव किया गया? तो ये जो उनके बेसिकली डेलिब्रेटिव ड्यूटीज होते हैं, जो सेशंस को अटेंड करना, वहाँ पर प्रश्न उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाना, जनता की समस्याओं को प्रश्न उठाना, और जो उनके ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ में आते हैं वो प्रश्न को उनको ज़्यादातर उठाना, और जो उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स, साथ ही साथ उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, उन पर कोई क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है, क्रिमिनल केसेस अगर हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं क्योंकि आज वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको भी इनकम टैक्स फाइल करना, कम से कम वो कितना करते हैं वो बात अलग है, बट एटलीस्ट फाइल करते हैं नहीं, सो इन सारे पैरामीटर्स पे उनको। सर, ये जो आप रैंकिंग दे रहे हैं इसके एवज में क्या उन्हें कोई सम्मान चिन्ह वगैरह कुछ दिया जाता है? देखिए, हम तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ऐसे कोई यह एक वर्चुअल सम्मान चिन्ह हम उनको देते हैं जो कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया गया है। एक अगेन ये वर्चुअली होता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको एक गोल्ड टॉर्च जैसे हम दिया जाता है, बट ये वर्चुअली होता है, हम फिजिकली ऐसा उनको कोई चिन्ह वगैरह हम नहीं। कितने विधायक विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछते आपके पास आकड़ा? सो बेसिकली कितने विधायक नहीं पूछते ऐसा नहीं है कि पूछते तो सभी ही हैं, बट कौन कितना प्रश्न पूछ रहा है वो महत्व ज़्यादा रखता है। जो जितना ज़्यादा प्रश्न उठाएगा इससे ये समझ में आता है कि वो जनता की समस्या को ज़्यादा बेहतर समझता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवारण चाहता है, और जो कम प्रश्न पूछेगा वो मे भी किसी और तरीके से वो निवारण करते होंगे, पर उसका एक सिस्टमेटिक निवारण नहीं हो पाएगा जब तक वो प्रश्न को संवैधानिक तरीके पे असेंबली में नहीं उठाएंगे और उस पर जो लेजिस्लेशन है वो पास नहीं करेंगे। तो प्रश्न तो सभी पूछते हैं, कितना प्रश्न पूछते हैं वो ज़्यादा महत्व करता है। सर, क्या ये आंकड़े भी हैं कि जो कौन सा MLA ने कितना फंड यूज़ किया है? डेफिनेटली कितना फंड्स यूज़ किया है, कितने क्वेश्चंस उठाए हैं, उनका अटेंडेंस क्या है, सारे आंकड़े हैं। अगर आंकड़े नहीं होते तो हम ये एनालिसिस कर ही नहीं पाते, तो वो एनालिसिस के आधार पर ही हमने, वो आंकड़ों के आधार पर ही हमने सारा एनालिसिस किया हुआ है। पूछे गए इन सवालों में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे? अभी महत्वपूर्ण जो देखा जाए कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल के इसमें दिखाई दे रहा है, तो लाइवलीहुड का है, मतलब रोज़गार का। दूसरा है जो स्वास्थ्य की समस्याएं, और तीसरा है एजुकेशन। ये तीन समस्याएं तो मैं कहूँगा कि सबसे मेजर है, और ये दिखने में आ रहा है कि उस पर प्रश्न उठाए गए हैं, पर जितने प्रश्न पहले उठाए जाते थे, जिस संख्या में पहले उठाए जाते थे, उस संख्या में गिरावट दिखती आ रही है।
और जबकि आज के समय वो उस प्रश्न पे ज्यादा चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि वो प्रश्न उस पर गिरते जा रहे हैं। सर आज देखा जा रहा है कि मुंबई में ड्रग्स का सिंबल और बिक्री बड़े पैमाने पे हो रहा है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, क्या किसी MLA ने असेंबली में इस पर आवाज उठाई है कि यह पूरी तरह से ये बंद होना चाहिए? डेफिनेटली इस पर अभी देखिए उसमें जो क्राइम रिलेटेड इशू पर उसने MLA से प्रश्न उठाए हैं, अब उसे हमें डेफिनेटली डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उसमें कुछ प्रश्न डेफिनेटली MLA ने उठाए हैं जो ड्रग्स के रिलेटेड जो है उसको डेफिनेटली उठाए, उसका डेटा चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। सर जो लोग एबसेंट रहे थे उनके बारे में देखिए सबसे पहला मैं कहूँगा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि आपको जनता ने चुन करके दिया है, उनकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर, और ये संवैधानिक आपकी ड्यूटी बन जाती है चुन के आने के बाद कि आप जनता की समस्याओं को वहाँ पर रखें, उस पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और उस पर लॉ लेजिस्लेशन जो भी है वो पास करवाया जाए। और अगर हम देखेंगे, अगर हम एक ट्रेंड देखेंगे, जितनी ज़्यादा चर्चा होगी, जितने ज़्यादा MLA एक प्रश्न को उठाते हैं तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब उसको प्रायोरिटी देकर के उस पर जो भी है रेजोल्यूशन पास होगा या लेजिस्लेशन पास होगा। अगर आप वो अटेंड नहीं करेंगे सेशंस तो एक अपॉर्चुनिटी या जनता एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है, जो जिन्होंने आपको चुन करके दिया है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है कि आपने उनकी समस्याओं को वहाँ पर नहीं रखा। और दूसरे की एक हमारे संविधान में या स्टेट असेंबली में ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं तो आप लिखित तौर पर अपने प्रश्न को दे सकते हैं, अगर वो भी अगर आप कर पाए तो भी वो एक महत्वपूर्ण होगा। बीते दो सालों में जो अब आप पूरा डेटा है, आप डेटा देख सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नहीं, अगर आप हमने अगर आप कोविड के पहले अगर आप देखेंगे जो हमने 4 वर्ष का एक साथ रिपोर्ट कार्ड निकाला था उसमें सुनील राणे जी नंबर वन पर थे। बीते 2 वर्षों में जो उथल पुथल हुई, 4 साल का जो हमने निकाला था कोविड के पहले ये वाले वर्ली वाले थे ना नंबर वन पे, सुनील शिंदे जी नंबर वन पर थे शिवसेना के। बीते 2 वर्षों में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई है उससे विकास पे क्या कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए ये अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कवर किया कि राजनीतिक उथल पुथल होना अपने आप में एक समान बात है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्याओं पर ध्यान देना, राजनीतिक समस्याओं तो है ही है लेकिन उसको थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके उसको प्राथमिकता देना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना वो ज़रूरी है। पावर गेम है, पावर हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप पावर में आ रहे हैं तो आपका जो संवैधानिक ड्यूटी है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली सेशन को करवाना, ये गवर्नमेंट का काम है और जो अभी गवर्नमेंट में है उनका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को करवाएं, लंबे दिनों तक करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाए जा सके, और वो अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली जो जनता की समस्याओं पर इम्पैक्ट होता ही है।